जी नाज़रीन, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम CTS पाकिस्तान एक बार फिर बनी मजलूमों की आवाज़। पाक पतन मोहल्ला फरीद नगर के रिहायशी 17 साल मसीही नौजवान समीर मसीह पर मजहब की बुनियाद पर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमों से रिहाई मिल गई। CTS पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इकदाम उठाने पर समीर और उसके खानदान ने CTS पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस कैथरीन सपना और CEO मिस्टर आशर सरफराज और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरे घर वालों ने इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम CTS से राब्ता किया। उनकी टीम पाक पतन फरीद नगर में पहुंची और उस मुश्किल वक्त में मेरे और मेरे घराने के साथ खड़ी होकर हमारी मदद की, जिसकी वजह से आज मुझे रिहाई मिली है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, जानते हैं विल्सन रजा की इस रिपोर्ट में। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम समीर है, जो कि हम पाक पतन में रहते हैं। हमारे हमसाये हमें मसीह होने की वजह से तंग करते हैं, हमारे ऊपर ड्यूटी FIR दर्ज करवाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ CTS टीम की, मिस कैथरीन सपना की, सर हाशर सरफराज की, जिन्होंने अपनी टीम को भेजा। उन्होंने मेरे भाई को रिहा करवाया और मेरी एक और रिक्वेस्ट है उनसे कि वो मेरे भाई का पर्चा खारिज करवाए और हमें हमारा घर वापस दे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम मैंने और मैं पाक पतन में रहती हूँ। ये मेरा भाई समीर है। हमारे जो हमसाए हैं वो हमें मसीह होने की वजह से तंग करते थे। उन्होंने हमारे साथ ऊपर बहुत ज़्यादा झूठे मुकदमात दिए और एक झूठे मुकदमे में मेरे भाई समीर को हवालात में बंद करवा दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ हाशर सरफराज की, कैथलीन सपना की और उनकी टीम सर विल्सन रजा की, जिन्होंने अपनी टीम को फौरी तौर पे भेजा और मेरे भाई समीर को रिहा करवाया। और हमारी एक और रिक्वेस्ट है उनसे कि वो मेरे भाई समीर का जो पर्चा है वो खारिज करवाएं और हमें हमारा घर वापस लेके दिया जाए, हमें हमारा हक वापस दिया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।